नमस्कार न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है जैसा कि हम देख रहे हैं भूटान के दोकलाम प्लाटू में लगातार चाइना इंडिया और भूटान के बीच एक तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार आनंद स्वरूप वर्मा जी हैं आपका न्यूज़ क्लिक में स्वागत है आप लगातार इस इशू पर लिखते आए हैं और थोड़ा ये जो इसके पृष्ठभूमि के बारे में बताइए कि डोकलम प्लाटू का जो सिचुएशन है वो क्या है इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है और वो जो ट्रीटी साइन हुई थी वो क्या थी देखिए डोकलम का जो एरिया है जिसको भूटान डोकलम कहता है इंडिया डोकला कहता है और चाइना डोंगलांग कहता है तो ये तीन नाम भी उसके हैं तो वो ट्राई जंक्शन है और वो बड़ा स्ट्रेटेजिक पॉइंट है इंडिया के लिए भी और चाइना के लिए भी भूटान के लिए तो खैर इसलिए स्ट्रेटेजिक भूटान के लिए भी है क्योंकि वही एक रास्ता है जो तीन तरफ से तो इंडिया से घिरा हुआ है बिल्कुल लैंड लाग है भूटान वो एक ओपनिंग है जहाँ से उसको रास्ता मिल सकता है आउटसाइड वर्ल्ड जाने के लिए उसको चुम्बी वैली का इलाका भी कहते हैं और ये प्रॉब्लम काफ़ी पहले से है क्योंकि जब से चाइना ने ये उस इलाके में रेल लाइन बिछाने की योजना बनाई है तब से इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ी परेशानी हो गई है कि अगर वो रेल लाइन बिछ गई तो भूटान का जो पूरा डिपेंडेंस है अभी इंडिया पर वो ख़त्म हो जाएगा डिपेंडेंस इस हद तक है केवल इकोनॉमिक नहीं जोग्राफिकल भी कि भूटान के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक आने के लिए भूटानियों को इंडिया से होकर के आना पड़ता है तो अभी पूरी तरह से वो इंडिया पर डिपेंडेंट है और इस डिपेंडेंस को वो बनाए रखना चाहता है और ये मैं इस आधार पर कह रहा हूँ कि पिछले कई दशकों से मैं देख रहा हूँ भूटान में किस तरह से जब भी भूटान ने चीन के साथ थोड़ा भी संबंध ठीक करने की कोशिश की तब तब भारत को दिक्कत हुई है और जो डोकलाम वाला एरिया है वो इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो इंडिया का कहना है कि हमारा चिकन नेक मतलब वहाँ से पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए जो रास्ता जाता है और वहाँ अगर चाइनीज़ ट्रुप्स मौजूद रहें तो वो सिक्किम का बार्डर होता है लेकिन सवाल यह है कि सिक्किम का और चाइना का बार्डर का कोई डिस्प्यूट है ही नहीं है वो तो बहुत पहले हमारे ख्याल से 1890 में वो समझौता हो चुका है और बॉर्डर डिस्प्यूट को है ही नहीं है तो टेक्निकली वो इलाका जो है चाइना का है जहाँ वो कंस्ट्रक्शन करना चाहता है थोड़ा सा डिस्प्यूट भूटान के साथ है इस मामले में कि चाइना चाहता है कि वहाँ थोड़ी और जगह उसको मिल जाए और वो भूटान की थोड़ी ज़मीन लेना चाहता है और उसके बदले उसकी दुगनी ज़मीन किसी दूसरे इलाके में भूटान को देना चाहता है इसी पर बातचीत वहाँ रुकी हुई है अदरवाइज़ भूटान और चाइना के साथ जो बार्डर की समस्या है तीन चार जगहों को छोड़ के एट्टीज के दशक में सारी सा, हल हो चुकी हैं तो जो मौजूदा हालात हैं जैसा कि आपने बताया कि वो चाइना रेल लाइन भी जाना शुरू किया आखिर ऐसी क्या परिस्थितियाँ पैदा हुई कि इंडियन ट्रूप्स को वहाँ पे जाके बैठना पड़ गया और अब दोनों देश पीछे हटने को तैयार नहीं है एक तरफ से चाइना वार्निंग दे रहा है कि आप पीछे हटिए वरना ये युद्ध की स्थिति आ जाएगी देखिए इंडिया ने तो ये प्ले लिया है कि हमारा एक समझौता है भूटान के साथ जो फ्रेंडशिप ट्रीटी है और इसलिए उसके राष्ट्रीय हितों को टेरिटोरियल इंटरेस्ट को की रक्षा करना हमारा काम है और हम जा रहे हैं लेकिन ये प्ली बहुत कमज़ोर पड़ता है क्योंकि बहुत सारे देशों के साथ बहुत सारे देशों के फ्रेंडशिप ट्रीटी हैं जिसमें यह क्लाज होता है अगर उस ट्रीटी का सहारा लेकर के सेनाएं एक दूसरे के यहाँ आने जाने लगें तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा भूटान में कई दशकों से इंडियन आर्मी वहाँ पर है वो मिलिट्री ट्रेनिंग देने के लिए रॉयल भू रॉयल भूटानीज आर्मी को मिलिट्री ट्रेनिंग देने के लिए वहाँ पर है अब वो ट्रिप्स वहाँ डोकलाम पहुँच गई है अभी जितने भी स्टेटमेंट उनके देखेंगे कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट खतरे में पड़ रहा है तो ये अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए वहाँ अपनी सेना रखे हुए हैं चाइना अपनी सेना वहाँ जो रखे हुए वो कह रहा है कि हम अपनी सेवरेंटी को एसर्ट करने के लिए तो अब सेवेरेंटी को एसर्ट करना और नेशनल इंटरेस्ट की बात जो है उसमें हमेशा जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो सेवरेंटी के पक्ष में जाएगी अच्छा और सबसे बड़ी बात यह है कि भूटान ने अभी तक ऑफिशियली इंडिया से ये नहीं कहा कि आप हमारे लिए सेना भेजिए तो अगर चाइना ये कह रहा है कि आप स्टेटस को पहले मेंटेन करिए तब बातचीत होगी तो मुझे लगता है कि ये कोई अनजस्टिफाइड डिमांड नहीं है उसकी क्या ये समस्या पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि जैसे कांग्रेस का रिजीम था उसमें ये समस्या नहीं हुई तो क्या मतलब अचानक से ये टेंशन हमें देखने को मिल रहा है तो क्या रिजीम चेंज का भी इससे कोई लेना देना नहीं, नहीं देखिए ये समस्या बहुत पुरानी है चाहे वो इंदिरा गांधी की रिजीम रही हो मनमोहन सिंह की रही हो अटल बिहारी वाजपेयी की रही हो या नरेंद्र मोदी की रही हो भूटान को लेकर के इंडियन रूलिंग क्लास का जो एटीट्यूड है उसमें मैंने कभी कोई बदलाव नहीं दिया देखा अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ देखिए डोकलाम में 1966 में सबसे पहले इसी डोकलाम में ही ये समस्या पैदा हुई थी जब तिब्बती चरवाहे इस इलाके में आ गए थे और भूटान ने प्रोटेस्ट किया था तो उस समय सितंबर 1966 में इंडिया ने एक प्रोटेस्ट नोट भेजा चाइना को ऑन बिहाफ ऑफ भूटान और चाइना ने उसको डिसमिस कर दिया कहा है कि आप अपना प्रोटेस्ट ने अपने पास रखिए यह हमारा और भूटान का मामला है सारा मामला जो गड़बड़ हुआ संबंधों में ये 1975 के बाद हुआ है जब इंदिरा गांधी ने सिक्किम को एनेक्स कर लिया 1949 की जो फ्रेंडशिप ट्रीटी इंडिया और भूटान के बीच थी वो 2007 में रिवाइज हो गई और उसका क्लास टू जो था जिसमें था कि जितने भी आप के फॉरेन अफेयर्स हैं उसको इंडिया देखेगा वो रिवाइज हो चुका है यानी अब भूटान अपने फॉरेन अफेयर्स को ख़ुद हैंडल कर सकता है उस टी के मुताबिक सिक्किम का जब एनेक्सेशन हुआ उसके तुरंत बाद जो जिगमे सिंह वांगचुक जो किंग थे वो दिल्ली आए और इंदिरा गांधी से एक एश्योरेंस लेकर के गए कि आप हमें अनेक्स नहीं करेंगी तो भूटान के ऊपर हमेशा एक एनेक्सेशन की तलवार लटकती रही है सिक्किम के बाद से और डर इंडिया को हमेशा ये रहा है कि अगर वो चाइना की तरफ चला गया चाइना के पाले में चला गया तो हमारे लिए दिक्कत पैदा हो जाएगी भाई भूटान के दो ही पड़ोसी देश हैं एक इंडिया है और चाइना है चाइना के साथ अभी तक डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है।, है तो ये सारा मामला इस पर है कि चाइना के साथ अगर वो चला जाता है तो इसलिए इंदिरा गांधी के समय से लेकर के और आज तक फ़र्क ये है कि मोदी की जो सरकार है इस समय वो बहुत एग्रेसिव ढंग से इन नीतियों को जहाँ पिछली सरकारें थोड़ा सा संभल करके करती थे कि वो कुछ ए, इंटरनेशनल ए, उसमें और डिप्लोमेसी में जो नॉर्म्स हैं वो भी बने रहें इन्होंने तो बिल्कुल ही बहुत जैसे अरुण जेटली का जो बयान था यह उन्नीस सौ बासठ नहीं है क्या मतलब है इसका आप प्रोवोक कर रहे हैं अगर ये उन्नीस सौ बासठ इंडिया के लिए नहीं तो चाइना कहेगा ही कि हमारे लिए भी उन्नीस सौ बासठ नहीं है तो इस तरह की जो गैर जिम्मेदाराना बयान जो इन लोगों के तरफ से आ रहे हैं और एक बार हिस्टीरिया जो क्रिएट कर किया जा रहा है इसको लेकर के आप सारे चैनल्स देख लीजिए एक से एक महाविद्वान लोग है, कुछ हैं कुछ आर्मी के जनरल्स हैं रिटायर्ड हैं वो अपनी बड़ी बड़ी मूछें लेकर के एक युद्ध घोष करते रहते हैं तो ये तो पूरा एक बहुत ही एक विशेष एटमोसफेयर तैयार किया जा रहा है 2013 में भूटान में भी रिजीम चेंज हुआ है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है इस पूरे डिप्लोमेटिक रिलेशन पर हाँ उसका इम्पैक्ट पड़ा है इसमें कोई शक नहीं क्योंकि जब थिनली की सरकार थी और इलेक्शन के समय जिस तरह से सब्सिडी रोक दिया इंडिया ने कैरासिन आयल पर और गैस पर वो जो सब्सिडी रोक दिया तो वहाँ पर बहुत परेशानी पैदा हो गई वहाँ की जनता को तो वे लोग भी जो डीपीटी के समर्थक थे उन्होंने भी इनको वोट दिया पीडीपी की पार्टी को कि अगर डीपीटी फिर चुनाव जीत करके आ गई तो इंडिया जो है चूंकि इंडिया नहीं पसंद कर रहा है तो नेचुरली इस समय जो पीडीपी की सरकार है जिसके प्रधानमंत्री ये सोमबे हैं तो ये लोग वही चाहेंगे कि इंडिया के साथ संबंध ठीक रहें क्योंकि इकोनॉमिकली पूरी तरह से इंडिया पर डिपेंडेंट हैं तो नेचुरली लेकिन फिर भी उन्होंने अभी तक यह नहीं लिख करके दिया है कि आप हमारी मदद के लिए सेना भेजिए क्योंकि इतनी बेवकूफ़ी कोई भी सरकार नहीं करेगी चाहे वो थिल्ले की हो या अभी वाली सरकार हो पीडीपी की हो या डीपीटी की या किंग खुद भी वो इंडिया से भी उतनी ही दूरी बना के रखेंगे मिलिट्री इंटरवेंशन के मामले में और चाइना से भी क्योंकि उन्हें पता है कि चाइना और इंडिया में से अगर किसी की भी आर्मी यहाँ आ गई हमारे बुलाने पर तो फिर उसका हट पाना बहुत मुश्किल होगा तो आनंद जी जिस तरीके से ये वॉर हिस्टेरिया क्रिएट किया जा रहा है चैनलों में ही सारी जंग लड़ी जा रही है आगे का रास्ता क्या है क्योंकि हालात ऐसे तो नहीं चल सकते लंबे समय तक और दो साउथ एशिया की दो बड़ी शक्तियाँ आमने सामने हैं तो इसका सोल्यूशन क्या है इसका सोल्यूशन केवल बातचीत है बातचीत के जरिए ही इसे हल किया जा सकता है अगर इसको दोनों ने प्रेस्टिज इशू बना लिया इंडिया और चाइना ने दोनों ने क्योंकि चाइना ने भी कहा है कि आप पहले अपनी फ़ौजें हटाइए वहाँ से दोनों को फिलहाल ये तनाव कम करना ही पड़ेगा क्योंकि इंडिया के बग़ैर भूटान अभी सरवाइव नहीं कर सकता है ये भूटान को पता है चाइना फोबिया इतना ज़बरदस्त है यहाँ और वो फोबिया क्रिएट भी करते हैं और इसके पीछे सीधी सी बात यह है कि अमेरिका कभी नहीं चाहता कि इंडिया और चाइना के बीच में कोई दोस्ती हो और यहाँ का पूरा मीडिया यहाँ के रूलिंग क्लास का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस तरह से अमेरिका से गाइडेड है कि वो कभी चाइना के साथ संबंध अच्छे होने ही नहीं देना चाहेगा और यही वजह कि ये सारी समस्या पैदा हुई है शुक्रिया आनंद जी आपने हमसे बात की और इतना समय दिया और उम्मीद है कि ये मसला जैसे ही आगे बढ़ेगा हम आपसे फिर इस पर बात करते रहेंगे धन्यवाद न्यूज़ क्लिक देखने के लिए धन्यवाद